साफ तौर पर कहना था कि अब यूपी की जनता बीएसपी का साथ देने का मन बना चुकी है और कोई भी पार्टी कोई भी दावपेच करती रहे, जोर अजमाइश करती रहे, लेकिन बीएसपी की सरकार आने वाली, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मायावती का जो जनता का मूड भाप रही है वो, या फिर लगातार पिछले कई दिनों से बीएसपी के आलाकमान बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो मीटिंग चल रही है उसको लेकर ये आकलन हो सकता है, जो पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने इस तरह से बयान दिया है। और कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना भी चाहती है यूपी में खासतौर पर अपने विपक्षी दलों को, भले ही वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस हो, कि बीएसपी पूरी तरह तैयार है और बीएसपी मेंटली प्रिपेयर है। और ना केवल अभी बल्कि आपको याद होगा कि लखनऊ में जब अंबेडकर आके जन्मदिवस के दौरान उन्होंने रैली की थी तो साफ तौर पर अधिकारियों को चेताया भी था कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सरकार आते ही उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस तरह का बयान देकर बीएसपी सुप्रीमो दिखाना चाहती है कि वो अभी से ही पूरी तैयारी में बीएसपी पार्टी जुट गई है और इस बात को लेकर आश्वस्त है कि आने वाले 2017 के चुनाव में जनता उनका साथ देगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये भी है कि अभी चूंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है और अभी बहुत ज्यादा वक्त है और तमाम पार्टियां, न केवल बीजेपी कांग्रेस बल्कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी भी तमाम दावपेच और पूरी जोर आजमाइश जताने में जुटी हुई है और इसके लिए जमीनी स्तर पर सब पार्टी का चुनावी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बीएसपी प्रमुख आश्वस्त नजर आ रही है अपनी सरकार बनाने को लेकर, तो किससे उन्हें कड़ी टक्कर मिलती है और क्या जिस तरह से वो आश्वस्त है आप बीजेपी। लेकिन अनुज एक बात है, अपनी पार्टी की भी उपलब्धियों को गिनाया और पूरी तरीके से फुल कॉन्फिडेंस भी नजर आई जीत को लेकर, लेकिन कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधा और मायावती ने प्रियंका को लेकर अटकलों पर कांग्रेस पर अपनी बात रखी। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की जिस तरह से तैयारी चल रही है, प्रशांत किशोर ने जो जाकर वहां पर बैठक की है और सबसे अहम जो माना जा रहा है प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारने का कांग्रेस मन बना रही है। हालांकि अभी तक केवल अटकलें हैं क्योंकि प्रियंका गांधी की तरफ से किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला है, तो उसको लेकर भी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया। उनका साफ कहना है कि अब कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, अगर वो प्रियंका गांधी को लाती है तो उससे भी खासतौर पर बीएसपी और उसकी चुनावी तैयारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुज शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।